और अब बात करते हैं डिफरेंस की, तो सबसे पहले देखो इसका जो पूरा फ्रंट जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है में। इसका और इसका फ्रंट देखो आप, तो इसका फ्रंट काफ़ी शार्प है, काफ़ी स्लिम है। तो भाई मैंने लास्ट वीडियो डाली P150 की ट्विन डिस्क की, तो बहुत मेरे पास कमेंट्स आए, बहुत मेरे लोगों ने मेरे को बोला कि भाई पुरानी वाली पल्सर भी हमको बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी थी पुरानी पल्सर। तो भाई एक बार दोनों का ना रिव्यू, मतलब दोनों को कंपेयर करो साइड बाई साइड खड़ी करके। तो दोनों मेरे पास ट्विन डिस्क वेरियंट हैं, दोनों का ट्विन डिस्क वेरियंट को आज साइड बाई साइड खड़ा करके कंपेयर करते हैं कि कौन सी अच्छी है, कौन सी क्या है, और दिखाते हैं एक बार आपको कि बजाज ने अपग्रेड किया है वो वर्थ है या नहीं है। एक बार आपको दोनों चीज़ दिखाते हैं। सो गाइस ये है, अब देखो मेरे पास दोनों बाइक अवेलेबल है फ्रॉम द अंबा बजाज, एक P150 ट्विन डिस्क और पल्सर 150 ट्विन डिस्क। दोनों आपको ब्लैक एंड ब्लू कलर में मिल जाएगी, ये भी ब्लैक एंड ब्लू में, वो भी ब्लैक एंड ब्लू के अंदर है। तो दोनों बजाज अंबा बजाज पे अवेलेबल है, जिसको चाहिए वो अंबा बजाज को कॉन्टैक्ट कर सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है और गूगल मैप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, जिसको चाहिए आ सकता है फ्रॉम द बैंगलोर, अगर आप बैंगलोर से हो तो। और अब बात करते हैं डिफरेंस की, तो सबसे पहले देखो इसका जो पूरा फ्रंट जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। इसका फ्रंट देखो कितना हैवी है और कितना बोल्ड है, कितना बिग लग रहा है देखने में। और इसका फ्रंट देखो आप, तो इसका फ्रंट काफ़ी शार्प है, काफ़ी स्लिम है, काफ़ी शार्प कर दिया है इसको। और इसमें एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे दिया है विद LED और इसमें DRL दे दिए हैं LED। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हेलोजन सेटअप मिलने वाला है इधर, और इसकी ये जो आईज दे रखी है यहाँ पर भी आपको हेलोजन ही मिलने वाला है, बट इसका एक अलग चार्म था, है और चार्म रहेगा। और ये अभी बिल्कुल न्यू लॉन्च है बजाज की साइड से, तो विद मार्केट के अंदर इसको अपना एक नाम करने में, एक इसको मार्केट में अपनी पकड़ बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगने वाला है। और इसके अंदर एक फ़ायदा था कि इसकी नंबर प्लेट बिल्कुल यहाँ पे माउंट होती थी, जिससे कि आपका चलान से आप बच सकते थे, क्योंकि इसकी नंबर प्लेट यहाँ पे लग जाती है ना तो दिखता ही नहीं है, विजिबल ही नहीं होता कैमरे के अंदर। और इसकी जो नंबर प्लेट है वो आपको यहाँ पे भी मिलेगी एकदम ऊपर की तरफ, तो इसमें आपको चलान से बचने का ऑप्शन नहीं है। और इसका एक यहाँ छोटा सा वाइजर दिया हुआ है ब्लैक कलर का, बट इसमें यहाँ पे आप कुछ रख नहीं सकते, यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं दिया हुआ और ये वाइजर दे के रखा है छोटा सा। और यहाँ पे ये वाइजर देखो कितना बड़ा वाइजर दिया हुआ है, और यहाँ पे खूब सारा स्पेस है, तो लोग यहाँ क्या करते थे कि यहाँ कपड़ा रख लेते थे बाइक साफ़ करने वाला, क्योंकि मैं भी ऐसे करता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको फ्रंट में देखो बजाज का लोगो मिल जाएगा, जो यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे कोई फ्रंट में बजाज का लोगो नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी इसमें हेलोजन सेटअप है, ये LED सेटअप के साथ आ रही है, बट इसमें हेलोजन इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं, तो इसके इंडिकेटर्स का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया, बट फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी रखी है बजाज ने पूरी। और यहाँ पे वही ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्कूल, बड़े बड़े वाले हेलोजन सेटअप, और इसमें ही पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि बाइक आपकी बाइक का एक्सीडेंट भी हो जाता ना तो ये फिर भी कहीं नहीं जाते थे, ये इतने फ्लेक्सिबल हैं। और बहुत लोगों ने अपनी और बाइक, मैंने देखे, मैंने अपाचे में निकाल निकाल के लोगों ने ये वाले लगवाए हैं, क्योंकि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी थी, ठीक है। और देखो ये मडगार्ड, तो ये सिंगल पीस पूरा मडगार्ड आपको मिलता है इसके अंदर, विद यहाँ पे थोड़ा सा इसमें अभी कार्बन फाइबर टाइप फिनिश दे दी थी, क्योंकि कार्बन एडिशन वाली 150 है, पर यहाँ पे आपको ब्लू कलर के स्टिकर दे दिया है। और ये डुअल फिनिश में देखो, यहाँ ग्लॉस में है, यहाँ पे ये मैट में है पूरा, और ये नीचे यहाँ दे रखा है। ये चीज़ अच्छा है कि टायर इससे जो मड फेंकता है वो आपके उस पर नहीं जाता, इंजन वगैरह पर नहीं जाता, ठीक है। और इसके डिस्क का साइज़ देखो कितना बड़ा डिस्क का साइज़ दिया हुआ है, और ये आपको सिंगल चैनल ABS के साथ मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ABS रिंग ये दे रखी है, और इसका साइज़ बहुत बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। और एलॉय देख लो, एलॉय अपना वही पुराना वाला एलॉय आपको मिलेगा, जैसे पल्सर में आ रहा था वही वाला। और टायर आपको C8 का मिलेगा इसके अंदर भी, उसमें मैं आपको C8 का टायर मैं दिखा दूंगा। और इसमें भी 90x90 सेक्शन का टायर मिलने वाला है, 90x90 17 इंचेस व्हील, ठीक है। और इसमें एक चीज़ है देखो, इसके ये कितना थिक, कितने मोटे सस्पेंशन दे रखे हैं, इसमें 220 वाले सस्पेंशन दे दिए थे बाद के अंदर, जो 220 पल्सर में आते थे, तो ये काफ़ी थिक है। अभी बात करते हैं इसकी, तो इसमें आपको ये फ्लोटिंग डिज़ाइन के साथ मिलने वाला है पूरा मडगार्ड, जिसमें यहाँ पे आपको ग्लॉस मिलेगा, ये पूरा आपको मैट ब्लैक मिलेगा। और यहाँ पे आपको ABS की बैजिंग मिल जाएगी, उसमें ऐसा कोई बैजिंग नहीं दे रखी ABS की, इसमें आपको बैजिंग मिल जाएगी। और इसका जो एलॉय का जो डिज़ाइन है देख लो, बिल्कुल एलॉय का डिज़ाइन बिल्कुल चेंज कर दिया है। और डिस्क का साइज़ मुझे लग रहा है कि डिस्क का साइज़ बिल्कुल सेम रहने वाला है दोनों का, थोड़ा सा चेंज किया है डिस्क का पैटर्न भी थोड़ा चेंज किया है, और थोड़ा सा ये मतलब हल्की छोटी लग रही है वो, थोड़ी सी बड़ी डिस्क की साइज़ लग रहा है मेरे को। और बाकी ABS इसमें मिल जाएगा, सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा, ये ABS रिंग में दे रखी है। और C8 का जूम टायर दिया हुआ है, 90x100 सेक्शन का, 90x90 17 इंचेस व्हील आपको इसमें मिल रहा है, सेम 90x90 17 इंचेस व्हील आपको उसमें भी मिल रहा है। बट जो मेजर चेंज है वो इसका एक, मेरे को ये थोड़ा सा स्लिम है, ये पहले से पतला है, बट इसमें क्या है कि एक यहाँ पे कवर दे दिया, जिससे आपका मड डस्ट वगैरह आपके यहाँ पे नहीं जाएगा, इससे आपकी रबर सील नहीं कटेगी। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो ये चेंज है। और यहाँ से देखोगे तो ये इसका इंजन काउल है, और इंजन काउल के यहाँ सेंटर में कुछ भी नहीं है, सेंटर में बिल्कुल एम्प्टी दे रखा है, खाली है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे एक ये ब्लू कलर का स्टिकर दिया हुआ है,
और यहाँ पे क्या है कि देख लो ये बीच में यहाँ पे ऐसे दे रखा है ताकि यहाँ से आपका मड ना जाए, और ये पूरा ग्लॉस ब्लैक में है। यहाँ पे भी स्टिकर दे दिया है, एक कार्बन फाइबर वाला स्टिकर दिया है, और एक ये आपका पूरा ब्लू कलर का स्टिकर दिया हुआ, ये रहा ठीक है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी इसमें भी ये पूरा कैटलिक कन्वर्टर यहाँ पे दे रखा है, इसमें भी यहाँ सेंटर में पूरा कैटलिक कन्वर्टर दिया हुआ, ये रहा, ये आप देख सकते हो ठीक है। और इसमें जो एलॉय का डिज़ाइन, एलॉय का कलर है, सिल्वर कलर एलॉय है, इसमें एलॉय का ब्लैक कलर है, तो मुझे ब्लैक पर्सनली ज़्यादा पसंद लग रहा है, सिल्वर से मुझे पर्सनली ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर इसमें ब्लैक में थोड़ा गंदा हो जाए ना, पॉलिश कर दो, क्या डिज़ाइन क्या कलर निकल के आएगा, बट ये थोड़ा गंदा जल्दी होता है, इसमें डस्ट जल्दी पकड़ता है, और मैं होप करता हूँ कि जो सिल्वर कलर है इसमें डस्ट थोड़ा कम दिखेगा आपको ठीक है। बाकी ये देखो इसका डिज़ाइन जो है, इसका लेग का डिज़ाइन थोड़ा सा यहाँ से ये ऐसे बेंड करके दिया हुआ है, और इसमें बिल्कुल स्ट्रेट दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल, कोई डिज़ाइन नहीं, सिंपल वाला दे रखा है मैट ब्लैक में। इसमें भी मैट ब्लैक में दिया हुआ है, बट थोड़ा कर्व दिया हुआ है। और इसमें आपको देखोगे तो इसमें आपको डुअल हॉर्न दे रखे हैं, एक हॉर्न ये रहा, एक हॉर्न वो रहा, तो डुअल हॉर्न दे रखे हैं इसमें, और यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न मिलने वाला है ठीक है, ये देख सकते हो आप, तो एक ये चीज़ है। बाकी टैंक देखोगे तो ये इसका टैंक है, तो टैंक ना इसका ऐसे मतलब ऐसा वाइड नहीं है, ऐसे ऐसे लंबा है, मतलब लॉन्ग टैंक है इसका, लंबा टैंक दे रखा है ठीक है। और यहाँ पे एक टैंक पैड भी दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको एक ये स्टिकर दे दिए थे, कार्बन फाइबर एडिशन में स्टिकर चेंज हुए थे, तो ये स्टिकर मुझे पर्सनली मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, क्योंकि इससे बाइक पूरी कंप्लीट दिखती है इस स्टिकर से। बाकी यहाँ पे एक टैंक का एक्सटेंशन दिया हुआ है, और यहाँ पे कार्बन फाइबर टाइप फिनिश दे रखी है, और यहाँ से अपना फ्यूल भर लेंगे, इसमें भी नियर 40-50 लीटर फ्यूल आ जाता है ठीक है। और इसके टैंक की बात करें, देखो इसका टैंक ना लॉन्ग नहीं है, इसका टैंक वाइड है ठीक है, और इसके टैंक के जो एक्सटेंशन है ये देख सकते हो, ये टैंक का एक्सटेंशन काफ़ी लंबा एक्सटेंशन दिया हुआ है, इससे क्या लगता है कि ये थोड़ी यहाँ से बिग लग रही है देखने में, अगर यहाँ से देखोगे तो ये थोड़ी सी बिग लग रही है, ये थोड़ी सी छोटी लग रही है, मतलब यहाँ से वाइडनेस नहीं है ठीक है। बाकी यहाँ पे 3D लोगों में पल्सर दिया हुआ, यहाँ पे एजिंग दी हुई है, 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, यहाँ से आपका ये फ्यूल लीड है, फ्यूल लीड बिल्कुल चेंज हो चुका है, यहाँ से आप फ्यूल भर सकते हैं बाइक के अंदर। और यहाँ पे आपको एक USB चार्जर मिल जाएगा टैंक पे, इसमें कोई भी USB जैसे नामो निशान USB का नहीं है इस बाइक के अंदर, तो ये देख सकते हो आप। और इसमें टैंक पैड नहीं है, टैंक पैड देना चाहिए था, बट इसमें दे दिया है, और इसमें नहीं दिया हुआ है बजाज ने। और इसका क्लिप ऑन हैंडल बार देख रहे हो, तो इसका क्लिप ऑन हैंडल बार थोड़ा सा मुझे RS 200 से थोड़ा रिजेंबल करता हुआ दिख रहा है, थोड़ा स्पोर्टी नेचर का क्लिप ऑन हैंडल बार दिया हुआ है। और इसका क्लिप ऑन हैंडल बार आपका 220-180 वाला दे रखा है पूरा, जो 220-180 में आता था, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन वाला, बट ये भी थोड़ा स्पोर्टी रहेगा। और इसका मीटर देखोगे तो मीटर आपको वही सेमी डिजिटल एनालॉग वाला, इसमें भी काफ़ी सारे फीचर आ गए, डिस्टेंस सेंसिटिव वगैरह सारे फीचर आपको इसमें बाद में मिल गए थे, बट बहुत पुराना टाइम से यही मीटर चलता आ रहा था, वो पुराने वाला मीटर आप समझ सकते हो, सबने पता होगा आपको। इसका जो मीटर है, इसका मीटर वो न्यू वाला है जो N250 में आया था, फिर N160 में आया, अब ये P150 में आ गया, तो न्यू मीटर है। इसमें भी सारे आपको फीचर मिल जाएंगे, टाइम, डिस्टेंस टू MPT, ये वो सारे फीचर आपको इसमें मिल जाएंगे ठीक है। ABS में मिल जाएगा सिंगल चैनल, और ये आपको फ्यूल इंजेक्शन के साथ मिलेगी, ये भी आपको फ्यूल इंजेक्शन के साथ ही मिलेगी भाई ठीक है। और इसके मिरर्स देखोगे तो मिरर्स मुझे इसके कुछ उतने पसंद नहीं है ठीक है, मुझे ये मिरर्स अच्छे नहीं लगते पर्सनली, मुझे ये मिरर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसका लुक भी अच्छा है, और इसे वाइड भी काफ़ी ज़्यादा है ठीक है। और आप देखोगे तो इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलेगी, और स्प्लिट इसकी जो सीट है, इसकी सीट ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगता है इसकी सीट है, इसकी सीट थोड़ी कम वाइड है, थोड़ी कम कंफर्टेबल है पिलियन के लिए, राइडर के लिए अच्छी है, पिलियन के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, इसमें राइडर पिलियन दोनों के लिए अच्छा ऑप्शन है, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके हैंडल बार देखोगे तो काफ़ी वाइड हैंडल बार है, और सॉरी ग्रैब रेल्स काफ़ी वाइड है, और यहाँ पे स्प्लिट ग्रैब रेल्स दिए हुए हैं, इसमें भी स्प्लिट ग्रैब रेल्स दिए हैं, बट ये बहुत अंदर की तरफ टकिन हो रखे हैं, बिल्कुल एकदम स्लिम से हैं ऐसे ठीक है। और यहाँ पे 150 की यहाँ बैजिंग दे रखी है, देख लो, विद ब्लू स्टिकर्स, यहाँ पे भी नीचे ब्लू स्टिकर दिया हुआ है, यहाँ पे P150 की बैजिंग दे रखी है विद ब्लू स्टिकर्स, और ये पूरा ग्लॉस ब्लैक के साथ है, ये देख सकते हो आप ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो ये दो सस्पेंशन मिल जाएंगे, नाइट्रॉक्स फील्ड दो सस्पेंशन है, ये भी एडजस्टेबल है, लेकिन आपको टू मिलते हैं, एक इधर एक उधर, टू साइड। और इसमें दिखा दूँ तो यहाँ आपको मिलेगा मोनोशॉक, ये रहा मोनोशॉक मिलने वाला है टू साइडेड, क्योंकि बहुत मतलब वन साइड है, मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा, एडजस्टेबल है, तो ये एक बहुत अच्छा अपग्रेड है, इसमें ये पॉइंट स्कोर कर रही है ये वाली। और यहाँ पे ये देखो सिंगल पीस में मिलने वाला है आपको, इसमें फुटरेस्ट राइडर का भी है, इसमें पिलियन का फुटरेस्ट दिया हुआ है थोड़ा बैकवर्ड पोजीशन के साथ। इसमें क्या है कि जो अपने NS जैसे आते थे वैसे वाले इसमें दे रखे हैं, ये फुटपैक्स, ये पिलियन के लिए है, ये राइडर के लिए, देख सकते हो ये रहा राइडर का, ये पिलियन का है, तो ये दोनों की पोजीशन थोड़ी सी बैकवर्ड है क्योंकि बहुत अच्छी है। और इसमें साइड स्टैंड, इंजन, कट ऑफ वॉर्निंग वगैरह सब कुछ सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। और देखो तो इसमें एक चीज़ मिसिंग है, इधर आपको कुछ मिस लग रहा होगा कि इसमें एग्जॉस्ट तो है ही नहीं भाई, एग्जॉस्ट है इसके अंदर,
बट इसमें अंडर वैली एग्जॉस्ट दिया हुआ है जो कि अपनी पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था ये एग्जॉस्ट, ये हुआ था एन एस 200 के अंदर, एन एस 200 में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर ये एन एस 160 में, फिर एन एस 125 में, अभी 160N में, अभी P150 में भी आ गया ये अंडर वैली एग्जॉस्ट। और इसको यहाँ हाईलाइट करने के लिए यहाँ सिल्वर कलर का ये फिनिश दे रखा है। और इधर देखोगे तो इधर आपको ये साइड एग्जॉस्ट मिलेगा बढ़िया वाला, जिसका ओल्ड स्कूल ओल्ड डिज़ाइन साइड एग्जॉस्ट मिलने वाला है। इसका एग्जॉस्ट साउंड थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आता, बट इसका एग्जॉस्ट साउंड बहुत अच्छा है, काफ़ी बेसिक एग्जॉस्ट साउंड इसका आपको मिलेगा। और ये देखो इसमें ये डुअल डिस्क है, तो रियर डिस्क आपको अच्छी साइज़ है, तो रियर डिस्क साइज दोनों का सेम मिलने वाला है। और यहाँ पे स्पीड सेंसिंग एक रिंग भी दे रखी है स्पीड सेंसिंग की, ठीक है, और सेम साइज आपको इसमें भी मिलेगा डिस्क का, और यहाँ पे भी आपको स्पीड सेंसिंग रिंग मिल जाएगी एक, ठीक है। और बाकी पीछे का जो अलॉय का डिज़ाइन है वो इसका अलग है, इसका अलॉय का डिज़ाइन बहुत अलग है, तो ये आप देख सकते हो। और इसमें भी सीएट का टायर दिया है, बट 120 सेक्शन का सीएट का जूम टायर दिया हुआ है, इसमें सीएट का टायर दिया है जूम टायर, बट 110 सेक्शन का टायर दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा इसको पतला कर दिया है माइलेज वगैरह इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि सिटी राइडिंग के लिए ज़्यादा ये बाइक यूज़ होती है, तो माइलेज के हिसाब से थोड़ा सा इसको स्लिम कर दिया है, जो कि इसका थोड़ा वाइड टायर था। बाकी ये इसका पूरा पीछे का मड गार्ड देख लो लंबा सा, और ये इसका पीछे का मड गार्ड है, तो ये डिज़ाइन बताना आपको कैसा अच्छा लग रहा है। और पुरानी टेलर देख लो पल्सर की ऐसी होती थी, अभी जो पल्सर आएंगी नेक्स्ट जनरेशन सबका टेलर कुछ ऐसे मिलने वाली है आपको, ठीक है। बाकी साड़ी गार्ड इसमें भी दिया हुआ है, साड़ी गार्ड आपको इसमें भी दिया जाएगा, और लेडीज़ फुटरेस्ट इसमें भी नहीं है, तो लेडीज़ फुटरेस्ट इसके अंदर भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर है कि आपको कौन सी बाइक लेनी है, कौन सी आपको पसंद है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। बाकी की इसकी चेंज कर दी है, उसकी भी की अलग है, तो आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार, ये देख लीजिए की, ठीक है। और अब बात करते हैं बाइक के इंजन की, तो इंजन में बहुत बड़ा चेंज है। चेंज सबसे बड़ा क्या है कि देखो ये DTSI के साथ आता है इंजन, डुअल स्पार्क प्लग इसमें दे रखे हैं, इसमें एक भी स्पार्क, इसमें सिंगल स्पार्क प्लग है, इसमें DTSI टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करी है बजाज ने। और पहले से इंजन जो है रिफाइंड है, वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, इसमें उतनी रिफाइनमेंट नहीं थी, ये बेस्ट इन क्लास रिफाइंड इंजन आपको मिलेगा P150 के अंदर, बहुत रिफाइंड है, बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा है। और सर क्लच का फील देखो, बहुत लाइट क्लच है, देखो कितना लाइट क्लच है, ठीक है। इसका क्लच ना थोड़ा सा हार्ड है, ये देखो थोड़ा आपको जोर लगाना पड़ता है इसे क्लच के लिए, उसका क्लच मेरे को ज़्यादा बेटर लगा इसके क्लच से, ठीक है। बाकी DTSI आपको इसके अंदर मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें 14.5 PS की पावर मिलेगी, इसमें 14 PS की पावर मिलेगी, इसका पावर टू वेट रेशियो उतना अच्छा नहीं है जितना पावर टू वेट रेशियो इसका अच्छा है, ये 140 kg के साथ है, उसका पावर भी इंक्रीज है, टॉर्क भी अच्छा है, इसका वेट भी 148 kg है, वेट ज़्यादा है, पावर भी कम है, और इसका टॉर्क भी कम है, तो पावर टू वेट रेशियो में वो विन करती है। और वो बहुत शार्प है, बहुत फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है उसका, इसका बहुत ओल्ड स्कूल बहुत पुराना डिज़ाइन जो चलता आ रहा है वही है, बट ये बहुत बोल्ड है, वो बहुत शार्प है, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। बाकी दोनों बाइक अवेलेबल है अंबा बजाज में, जिसको आपको दोनों में से जो आपको बेटर लगती है आप वो आगे परचेज कर सकते हो इधर से, कॉन्टैक्ट नंबर सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस बाइक का, ठीक है। अगर आपको ओल्ड स्कूल चाहिए तो उसमें जा सकते हो, कुछ फ्यूचरिस्टिक चाहिए, कुछ न्यू चीज़ चाहिए तो वो उसमें जा सकते हो, उसका बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन है, तो उसको लोगों को ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस बाइक के ऊपर लोगों को ऑलरेडी बहुत ट्रस्ट है, क्योंकि नियरली 10 ईयर से ये चलती आ रही है सेम इंजन के साथ, तो इसके ऊपर, इसके इंजन के ऊपर बहुत लोगों को ट्रस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक दोनों अच्छी है, जो आपको लेनी हो वो आप ले सकते हैं, और बजाज के सर्विस सेंटर्स का तो कोई इशू आपको पता है वैसे भी नहीं है, ईजिली हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, बजाज के सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छे। तो ये था कुछ रिव्यू मेरी साइड से, अब आपको दोनों में जो पसंद है वो आप लेके आके यहाँ से बाय कर सकते हैं अगर आप बेंगलुरु से हैं तो। और बाकी प्राइस के लिए दोनों के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा शोरूम पे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार कॉल कर लेना। सो गाइस देखा आपको मैंने दोनों की डिफरेंस बता दी है, दोनों का आपको मैंने डिफरेंस दिखा दिए सारे कि क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है, और अब आपके ऊपर डिसीजन लेना है कि आपको कौन सी बाइक लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, तो वो आप डिसीजन ले लेना। दोनों की टेस्ट राइड लेके देख लो, यहाँ पे टेस्ट राइड के लिए दोनों बाइक्स अवेलेबल है, आओ चला के देखो, टेस्ट राइड करके देखो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। उसके बाद आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो, मेरी तरफ से दोनों बाइक अच्छी है, ठीक है। और बाकी मिलते हैं आपसे और अगली अच्छी वीडियो में, जब तक लिए टिल देन सी यू, ओके बाय।